वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का 10th लेसन स्टार्ट करेंगे। वैसे ये स्टार्ट ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू है लेसन 9 के आगे का। हम जानते हैं कि हमने 9th लेसन जो है द ट्रिब्यूट, उसका जिसका फर्स्ट पार्ट है, जो कि उसी के आगे की कहानी अभी है 10th लेसन में बताई गई है ना। ये दो पार्ट में बना दिया है, 9th लेसन और 10th लेसन में। तो द ट्रिब्यूट, हम जानते हैं कृतज्ञता को आभार व्यक्त कर रहे हैं इसमें बड़े भाई के प्रति। तो ये दोनों दो भाइयों के एक प्रेम की ही कहानी है। तो हम देखते हैं आगे, हमने लास्ट जो पढ़ा था तो उस 9th लेसन के एंडिंग कैसे हुई थी कि जो छोटा भाई है जिसका नाम है बाबुली, वो गांव आ जाता है अपने भाई के पत्र पे, क्योंकि वहाँ पे बंटवारा होने वाला है, दो भाई भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया है। और वो गांव के अपने पुराने दिनों को याद करता है कि किस तरह से उसके बड़े भैया उसको लेने आते थे कोचिंग या ट्यूशन पे जब अंधेरा हो जाता था, और वो कैसे फिर जाते थे, कई बार वो कंधे पे भी उठाते थे। ये अपनों ने लास्ट में पढ़ा था। अगर ये अभी भी आपने पहले नहीं पढ़ा है 9th लेसन को, तो पहले उसको जाके पढ़े, समझे और कॉपी कंप्लीट करें। अब हम 10th लेसन को आगे पढ़ रहे हैं, जो कि उसके आगे की कहानी है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे बुक सामने हो, कहीं कठिन शब्द मिले तो उसको पेंसिल से मीनिंग लिखते जाए हाथों। तो देखें, आप स्टार्ट कर रहे हैं। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, कि जो बस स्टॉप था वो थोड़ा दूरी पे था गांव से। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं उनसे पीछे रह गया था। बड़े भैया आगे चल रहे थे और मैं पीछे रह गया था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क, कि फिर वो रुके और उन्होंने वही पुराना प्रश्न पूछा जो वो हमेशा पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, लेकिन मैं बोल ना सका। क्या प्रश्न पूछते थे? कि तुम जरूर थक गए होंगे, चलो मेरे साथ चलो, इस टाइप से वो उन्होंने पूछा। द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी, कि मेरे अंदर जो है वो अपना जो अतीत है वो प्रकट हो रहा था। स्प्राउटिंग होना मतलब प्रकट होना। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, कौन से दिनों को याद कर रहे थे? जो कि बचपन के दिन और अपने आज के दिनों के बारे में, दोनों में तुलना करते हुए वो याद कर रहे थे, कर रहा था छोटा भाई। टाइम हैज कोएगुलेटेड फॉर मी, कि मेरे लिए जो समय है वो जम चुका था। कोएगुलेट होना मतलब जमना, स्थिर हो जाना। आई हैव चेंज्ड, लेकिन मैं बदल गया था, है ना, मेरे अंदर चेंज हो गया था। बट माई एल्डर ब्रदर, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हेम एनी चेंज, कि लेकिन मेरे जो बड़े भैया है उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ समय के साथ में। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग, आई फेल्ट सो स्मॉल। अब जैसे उन दिनों की तरह वो अभी भी मुझसे आगे चल रहे थे, मेरा बैग थाम के, और मैं बहुत ही उनके सामने छोटा महसूस कर रहा था। फेल्ट मतलब फील करना, फील का ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकेंड फॉर्म है। वो फेल्ट फेल्ट दोनों सेकेंड थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं पास्ट सिंपल में। फिर आगे देखें कि हेजिटेटिंगली आई सेड, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल। तो हेजिटेटिंगली मतलब थोड़ा हिचकिचा के मैंने कहा कि भैया ये ब्रीफ केस, ये अटैची मुझे दे दो, और ताकि मैं इसको थोड़ी देर के लिए उठा सकूँ। आप भी थक गए होंगे, इस टाइप से थोड़ा वजन होगा उसमें। तो डोंट यू वरी ही सेड, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड। तो उन्होंने कहा कि डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, ये भारी है और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन अवर स्टेप्स, कि चलो अपने कदम जो है वो तेज तेज चलाएं। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, कि तुम जरूर भूखा महसूस कर रहे होंगे, भूख लग रही होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, कि अभी ये शाम के भोजन का भी टाइम हो गया था, मतलब वो कह रहे हैं कि हो गया है, टाइम हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैं भी चुपचाप उनका पीछा करता रहा। फिर अब बार बार क्या भैया है, क्या कहें उनको। वे रेस्ड होम, कि हम घर पहुंचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सेकर्ड तुलसी प्लांट। अब देखें कि वो कहते हैं कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था पहले से ही, और अब टाइम हो गया था दिया बत्ती करने का तुलसी के पौधे के सामने, जो कि पवित्र पौधा है, हम करते हैं तुलसी के सामने शाम के टाइम पे। तो सेकर्ड कहते हैं पवित्र को, पवित्र तुलसी प्लांट। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टूवर्ड्स मी हॉवलिंग, हियर्स अंकल,
अब उन पुराने दिनों की तरह जो मेरे भतीजे हैं या भतीजियां हैं जो भी है उनको नेफ्यू कहते हैं, तो वो पहले की तरह ऐसे चिल्लाते हुए नहीं आए, शोर मचाते हुए, हाउलिंग करना मतलब शोर मचाते हुए कि अंकल आ गए, अंकल आ गए, हियर्स अंकल, इस तरह से। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, और मेरी जो भाभियां हैं वो भी किचन से दौड़ती हुई नहीं आई टू रिसीव मी, मुझे मेरा स्वागत करने के लिए। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, कि वो सब कुछ बिल्कुल शांत और शांत था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, सिर्फ मेरी मम्मी आई और मेरे पास में आके खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, कि जो मेरा दूसरा भाई था मतलब सेकेंड मंजिला भाई था और उसकी पत्नी तो कहीं भी दिखाई भी नहीं दे रहे थे। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड। तो पूरे ही घर में जो है बिल्कुल अनयूजुअलनेस मतलब असाधारण सी हवा की लहर दिख रही थी, ऐसी महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ग्रेवयार्ड मतलब कि कब्रिस्तान के जैसे सब कुछ स्थिरता हो गई हो, ऐसा लग रहा था। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कॉलेप्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि घर जो है अपने पूरे तरीके से नष्ट होने के लिए तैयार हो रहा हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। सब में मन मुटाव सा ऐसा कुछ चल रहा था। फिर आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू बी नॉर्मल विथ एवरी वन, कि मैंने हर किसी के साथ नॉर्मल होने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड, लेकिन फिर एबोमिनेबल मतलब क्या होता है कि नफरत भरी, एबोमिनेबल कहते हैं नफरत भरे को, और लल मतलब होता है चुप्पी को, शांति को, कि वहाँ पे बिल्कुल नफरत भरे से शांति छाई हुई थी सभी तरफ। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन, कि मेरा जो दूसरा भाई था और उसकी पत्नी थी वहाँ पे उनकी उपस्थिति के बावजूद भी वो कोई भी ऐसी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। इसमें एक वर्ड है इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, है ना, कि घर में होने के बावजूद भी वो कोई भावना नहीं दिखा रहे थे। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, कि वो सब वहाँ पे बिल्कुल तैयार थे बंटवारे के लिए, पार्टीशन के लिए, और उनको इसके अलावा किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, कि मैं उस रात को सो भी नहीं पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और जो अगली सुबह है, फॉलोइंग मतलब जो अगली सुबह है, वो बिल्कुल बिना किसी घटना के गुजर गई, यानी कि सुबह का टाइम अगला दिन का गुजर गया। इट वॉज मिड डे, और फिर दोपहर का टाइम आया। सेवन और एट पीपल हैड गैदर्ड इन अवर कोर्ट यार्ड टू सुपरवाइज द डिविजन, कि सात या आठ लोग फिर वहाँ पे इकट्ठे हुए हमारे घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड कहते हैं आंगन को, ताकि वो बंटवारे का सुपरवाइज कर सके मतलब ध्यान रख सके, निरीक्षण कर सके। वी थ्री ब्रदर्स वर प्रेजेंट, कि हम तीनों भाई भी वहाँ उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनी वेयर इन द विसिनिटी, कि जो मम्मी थी हमारी वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, विसिनिटी मतलब पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, आसपास कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लैश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी विच अवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, कि हम इंतजार कर रहे थे उस आखिरी सेपरेशन का मतलब बंटवारे का। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारे मांस को, जो कि पाला हुआ शरीर है, इसके मांस को टुकड़े करने जा रहे हैं, और जिस शरीर को हमारे माता पिता ने शादी के बाद से जिसका पोषण किया है, आज जो शरीर के टुकड़े होने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। एंड देन वी वुड रन अवे इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस क्लचिंग अ पीस ईच, और उसके बाद हम तीनों फिर निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते पे, अपना अपना हिस्से को थाम के, क्लचिंग मतलब थामना। फिर अब अगले पेज पे देखें कि ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हिप्ड इन द फैमिली कोर्ट यार्ड, कि जो जितने भी घरेलू चीज़ें हैं, आर्टिकल मतलब वस्तु है, उन सभी को घर के आंगन में हिप कर दिया गया। हिप करना मतलब इकट्ठा कर देना, ढेर बना देना। तो दीज वर टू बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं घर की वो तीन भागों में बांटी जाना थी। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस
ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल्स, कि मतलब सारी जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें सारी वहाँ पे लाई गई थी, और लगभग सारी जो हिलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ ये कोकोनट शेल कहते हैं किसको, जो नारियल का खोल होता है उससे बनी हुई चम्मच को, है ना, लेड कोकोनट शेल तो नारियल के खोल को कहते हैं, और लेडल्स मतलब चम्मच, कि वो उसकी बनी हुई चम्मच तक वहाँ पे थी। एंड बम्बू टू बी टू द लिटिल बॉक्स, और छोटे से एक बांस का बम्बू का वो बनाया हुआ था छोटा सा बक्सा, वो तक वहाँ पे लाया गया था बंटवारे के लिए। वेयर फादर यूज्ड टू कीप हिज बैटल्स, और जिस बॉक्स में वो बम्बू का जो बॉक्स था किस काम में आता था, जिसमें पिताजी अपने पान के पत्ते रखते थे, बीटल्स मतलब पान ही रखते थे, पत्ते तो क्या रखेंगे, वो पान ही रखते थे। द एग्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, एग्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, कि कुल्हाड़ी और पुराना एक रेडियो का सेट था वो भी वहाँ पे उपस्थित था बंटवारे के लिए। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, कि पूरी लंबी सी लिस्ट बनाई गई सारे चीज़ों की। नथिंग वॉज स्पेड, नाइदर द ढिंकी नॉर वुडन राइस क्रचर एंड नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें थी, कि कुछ भी चीज़ें वहाँ पे छोड़ी नहीं गई थी। स्पेयर्ड मतलब छोड़ना, कि कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं गई थी, ना ही ढिंकी। अब ये ढिंकी क्या होता है, ढिंकी कहते हैं वो लकड़ी का चावल को कूटने वाला, मतलब हम कह सकते हैं अपने समझने के लिए ईमानदस्ता, है ना, वो ईमानदस्ता भी था। और जितने भी परिवार के जो पुरानी चीज़ें थी, आइडल्स थे, मतलब पारंपरिक मूर्तियाँ वगैरह थी, वो सब वहाँ पर लाई गई थी, आइडल्स भी लाए गए थे। फिर आगे देखें कि आई सो माई एल्डर ब्रदर राइस, मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया अपनी जगह से खड़े हुए उठे। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, कि वे चीज़ों के जो ढेर है, पाइल मतलब ढेर, कि वो चीज़ों के ढेर के पास में जाके कुछ क्षण के लिए रुके, स्टॉप हुए। एंड अनफास्टेंड द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और उन्होंने अपने घड़ी जो रिस्ट वॉच है, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, रिस्ट वॉच, कि वो रिस्ट वॉच का जो पट्टा है उसको उन्होंने उतारा। एंड प्लेस्ड इट ऑन द हिप विथ द अदर थिंग्स, और वो भी उन्होंने दूसरी चीज़ों के साथ में उनको बंटवारे के लिए वहाँ पे रख दिया घड़ी को। परहैप्स अ टीयर ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक, और शायद उनके गालों से जो है आंसू निकला, टपका, ट्रिकल मतलब निकलना, चीक कहते हैं गाल को। With a heavy sigh, he left the place. और बहुत ही गहरे सांस के साथ उन्होंने वो जगह को फिर छोड़ दिया, मतलब चले गए। Heavy sigh, sigh कहते हैं सांस को, गहरी सांस। फिर आगे देखें। I had often heard him say that father had bought him that wrist watch when he was in the 11th class. तो वो कहता है कि उसने मतलब अक्सर सुना था छोटे भाई ने कि ये उनके पिताजी लाए थे वो घड़ी जब वो 11th क्लास में थे, उनके बड़े भैया के लिए लाए थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई एम ए फाइनल ईयर ही हैड मॉर्टगेज्ड दैट वॉच टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू। अब इसमें देखें मॉर्टगेज्ड मतलब होता है गिरवी रखना, है ना, उस चीज़ को गिरवी रखना। तो वो कहता है छोटा भाई बाबूली कि और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं एमए फाइनल ईयर में था तो उन्होंने अपनी घड़ी को गिरवी रखा था ताकि वो दिल्ली में मेरा जो इंटरव्यू था उसके लिए मुझे पैसे भेज सके, इसलिए उन्होंने गिरवी भी रखी थी उस घड़ी को। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज, आई रिमेंबर क्लियरली। वो कहता है छोटा भाई कि और उन्होंने मुझे उस वक्त 150 रुपये भेजे थे और ये मुझे आज तक स्पष्ट याद है। No one knows whether the wrist watch would come back to him or not. कोई भी ये भी नहीं जानता था कि यह घड़ी अब वापस उनके पास आएगी भी कि नहीं। His action seemed symbolic of his snapping all his attachment with the past. कि उनका जो एक्शन थे, उनके जो कार्य थे, इसमें वर्ड देखे सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक कहते हैं प्रतीक को, और स्नैपिंग कहते हैं तोड़ने को, कि उनके जो एक्शन थे जितने भी थे वो इस चीज़ के प्रतीक प्रतीत हो रहे थे, कि जैसे कि उनके जितने भी भूतकाल के अतीत की तो जो यादें हैं जिनसे उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है वो सब टूटने जा रही है। जैसे कि वो घड़ी उनकी बहुत ही फेवरेट होगी, सही पिताजी ने दी थी और आज वो बंटवारे में
रखने जा रहे हैं, फिर अब आगे देखते हैं। आई वॉज साइलेंट, कि मैं फिर पूरी तरह से चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैकयार्ड, कि जो मेरी बड़ी भाभियाँ थी वो तो पीछे आंगन में थी, बैकयार्ड में थी, पिछवाड़े थी घर के। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विथ अस। और मेरा जो दूसरा भाई था वो तो अक्सर अपनी पत्नी के कान में कुछ ना कुछ विस्पर करता, मतलब फुसफुसाता, धीरे धीरे बोलता। और फिर आगे देखें कि इट वॉज लाइक द ब्यूचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई कसाई का चाकू हो जो कि खुद की धार को तेज कर रहा हो, मतलब उसके भाई के कर्मों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई कसाई की तरह अपने चाकू की धार तेज कर रहा है। ब्यूचर मतलब कसाई, पहले ही बात अपनों को समझ में आ चुकी है फर्स्ट में। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कम्पोज, कि जो बड़े भैया थे वो बिल्कुल शांत थे और बिल्कुल नियंत्रित थे, कम्पोज थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेकंड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज। इसमें वर्ड्स देखें आप, प्रोसीडिंग मतलब आगे की कार्रवाई को कहते हैं और डिस्पैशनेटली मतलब कि शांतिपूर्वक को कहते हैं। तो ये कहा है कि वो बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे सज्जन की तरह, सज्जन व्यक्ति की तरह सब कुछ आगे की कार्रवाई देख रहे थे शांतिपूर्वक, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उन्होंने वो एक जो धागे की सेरेमनी होती है, जो बच्चे के उनके बेटे की जो एक आयोजन किया गया था कुछ धागे की सेरेमनी होती है, तो उस दिन भी वो वैसे ही बिल्कुल शांत थे, और जैसे कि वो मेरी शादी वाले दिन भी शांत थे वैसे ही वो आज भी थे, बिल्कुल मतलब नॉर्मल रहते थे वो, बिल्कुल कहीं घबराहट वगैरह नहीं थी। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटीज। अब इसमें देखें वर्ड है प्री ऑक्यूपाइड मतलब कि विचार मग्न, और ग्रेव कहते हैं गंभीर को, तो वे बिल्कुल वैसे ही थे विचारों में मग्न और बिल्कुल गंभीर तरीके से, जो कि सिंसियरली बिल्कुल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. और यहाँ तक कि जब वो मेरे दूसरे भाई से भी बात कर रहे थे तो बिल्कुल शांत और नियंत्रित आवाज में बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई चिढ़ रहे थे कि उसकी वजह से बंटवारा हो रहा है। Not a sign of disgust and regret, कि उनके अंदर बिल्कुल भी नफरत और पछतावे की कोई भी चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई भी एक संकेत भी नहीं दिखाई दे रहा था। Disgust कहते हैं नफरत को, हाँ नफरत को, और रिग्रेट कहते हैं पछतावे को। फिर आगे देखें कि आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड, वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, कि और फिर मुझे याद है वो साल जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ था और हम काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। फाइनेंशियल स्ट्रेन मतलब आर्थिक तंगी। इट वॉज विंटर, वो ठंड का टाइम था। द चिल वॉज एट इट्स हाई, कि जो चिल है, जो ठंड थी वो बिल्कुल अपने चरम पे थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, और हमारे पास जो ब्लैंकेट्स थे, ब्लैंकेट्स कहते किसको, रजाई को, कि जो रजाई थे वो भी बिल्कुल सीमित मात्रा में थी। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग पर्टिकुलरली एट मिड नाइट दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि और जो ठंड थी वो इतनी चुभ रही थी, इतनी ज़्यादा लग रही थी विशेष रूप से आधी रात में, कि जो ब्लैंकेट है, जो रजाई है, वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी कि एक ही रजाई ओढ़े, है ना, मतलब एक ही रजाई पर्याप्त नहीं थी। फिर अब आगे देखें, दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, कि उस रात को मैं पैसेज रूम मतलब गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। वेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माइन, और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे बड़े भैया का जो ब्लैंकेट है, जो रजाई है, जो कंबल है, वो मेरे रजाई के साथ में और ऊपर से उड़ाई हुई थी, मतलब कि मेरी तो थी और ऊपर से उन्होंने अपनी भी उड़ा दी थी, ऐसा सुबह उठ के मैंने देखा। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, और जब डाउन कहते हैं मॉर्निंग को, कि सुबह सुबह जब वो खेतों की तरफ गए तो वो बिना अपने कंधे पे कोई ब्लैंकेट, कोई कंबल ओढ़े ही चले गए, बिना ओढ़े ही मुझे ओढ़ा के चले गए। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि अगर उनसे पूछा भी जाता कि भाई ऐसा आपने क्यों किया,
तो वो बिल्कुल निश्चित ही अपने सामान्य तरीके से बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो ठंडी नहीं लगती, है ना, ऐसे बड़े भैया यही बोलते वो तो। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल पर्याप्त आय है, जो इनकम है, अच्छा खासा कमाता हूँ अपने। येट इट हैड नेवर ऑकर्ड टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लोथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने बड़े भैया के लिए कोई गर्म कपड़ा या कुछ ओढ़ने करने का ले जाऊँ। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस, और वो आज भी उसी फटी हुई कंबल से संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो उन्होंने एक बार मुझे ओढ़ाई थी। इसमें एक वर्ड है ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, टेटर्ड कहते हैं फटे हुए को। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विथ ऑल द अदर थिंग्स, और आज वही पुरानी कंबल जो है सारी चीज़ों के साथ मेरे सामने है, मतलब बंटवारे के लिए वहाँ पे पड़ी हुई है। आगे देखें, आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ऑल इन ग्रेटिट्यूड। तो इसमें देखें, इन ग्रेटिट्यूड कहते हैं नमक हरामी को, कि मैं बिल्कुल ठंड से जम चुका था और अपने स्वयं के नमक हरामी से, कि मैं कुछ उनके लिए कर भी नहीं रहा था। द प्रोसेस ऑफ डिविजन वॉज फाइनली ओवर, और जो बंटवारे की पूरी प्रक्रिया थी वो आखिरकार खत्म हुई। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट विद अ स्माइल, कि जो कुछ भी मेरे दूसरे भाई ने डिमांड की वो सब कुछ मेरे बड़े भैया ने बिल्कुल खुशी खुशी उसके स्वीकार की, जो भी डिमांड थी। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस, और मेरे दूसरे भाई ने प्रपोज किया, मतलब कि ये रखा मेरे सामने, ये बात रखी कि वो ये मेरे हिस्से में आई हुई जमीन को वो 18,000 रुपये की कीमत में खरीदना चाहता है ना, मतलब उसने ये ऑफर रखा। उसको पहले अनुमान था 20,000 रुपये करीब आएंगे, लेकिन कितने उसने दिए, 18,000 रुपये। घर का व्यक्ति और थोड़े कम में निपटाने की कोशिश करता है, बाहर का व्यक्ति और थोड़ा ठीक ठीक दे देता है। फिर आगे देखें कि इन द मॉर्निंग सॉरी इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टोक मी अलोंग विथ हिम टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइंड। पैडी फील्ड कहते हैं जो हरी भरी जमीन होती है उसको, कि शाम के टाइम पे फिर जो मेरे बड़े भैया है वो मुझे, मैं अपने बड़े भैया के साथ गया, वो मुझे ले गए, मुझे अपने हिस्से में आई हुई जो हरी भरी जमीन है, जो धान की खेती है, वो दिखाने के लिए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, और मैं चुपचाप उनका पीछा करता रहा। वे मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम खेत में बिल्कुल कोने कोने में बाउंड्री बाउंड्री सीमा सीमा पर घूमते रहे। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट हिज पाम एंड हिज फिंगर्स, कि हर जगह पे मैं उनके पैरों के निशानों को महसूस कर सकता था, उनके हाथों के निशान को, उनकी उंगलियों के निशान को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अकेले ही मेहनत की। छोटा भाई तो वैसे ही, वो दूसरा वाला पैसों के लालच में ही पड़ा रहता था, वो क्या करता, वो बड़े भैया ही मेहनती। ऑन द बूजम ऑफ द पेडी फील्ड्स स्पार्कल्ड द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट। इसमें तीन वर्ड्स देखे, बुजन कहते हैं छाती को, स्पार्कल्ड मतलब चमकना, पर्ल मतलब मोती, और स्वेट मतलब पसीना। तो उस धान की खेती के छाती पे मेरे बड़े भैया के जो मोती हैं वो चमक रहे थे, और वो मोती काहे के, पसीने के मोती, उनके पसीने की जो वो वहाँ पे मोती थे वो वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, उनके जो खून पसीने की मेहनत वहाँ दिखाई दे रही थी उस खेत में। वी ही वॉज शोविंग मी द फील्ड्स एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, और वो मुझे खेत इस तरह से दिखा रहे थे जैसे कि कोई पिता किसी अजनबी को परिचित करवाता है अपने परिवार वालों से, इस तरह से वो दिखा रहे थे खेत को। फिर आगे देखें कि इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, कि फिर सुबह के टाइम पे मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भैया का सामना कर सकूं, उनसे मिल सकूं। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर। तो बस स्टॉप के लिए निकलने से पहले
मैंने कागज की एक पर्ची अपनी बड़ी भाभी को दी, जो मेरे बड़े भैया की धर्मपत्नी उनको दी, जिसमें कि मेरे हिस्से के बारे में बिल्कुल जानकारी सब कुछ लिखी हुई थी। राइटिंग ऑन द बैक साइड ऑफ दैट स्लिप आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड स्टेल्दिली स्लिप्ड आउट ऑफ अवर हाउस। और उस पर्ची के पीछे की तरफ मैंने ये लिखा था कि ये जो पर्ची है, जो चिट्ठी है, मेरे बड़े भैया को डिलीवर की जाए, उनको दी जाए। और स्टेल्दिली कहते चुपचाप को, और चुपचाप मैं अपने घर से वहां से निकल गया। 9:11 हो गया। आई हैड रिटर्न। अब उस पर्ची और चिट्ठी के अंदर क्या लिखा था वो देखें। लिखा था कि ब्रदर भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड्स, कि मैं इन जमीनों का क्या करूंगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, कि आप ही मेरी वो जमीन हो जहां से मैं अपने जीवन में हर किसी चीज को हार्वेस्ट कर सकता हूँ, फसल उगा सकता हूँ। मतलब कि जो कुछ चाहिए मैं आपसे ले सकता हूँ, मुझे किसी जमीन से कुछ लेने की क्या जरूरत है। आई नीड नथिंग सेव यू, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके। एक्सेप्ट दिस प्लेस, कि मेरी बात आप स्वीकार करें। इफ यू डिनाई आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, कि अगर आपने डिनाई किया मतलब मना किया, तो फिर मैं कभी भी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। और फिर लिखा पत्र में नीचे बाबूली, कि ये मैंने लिखा है, मतलब बाबूली ने उसने अपना नाम लिख दिया। तो यही कहने का मतलब है छोटे भाई का, कि मुझे आपकी जमीनें वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मैं बंटवारे का क्या करूंगा। और इस तरह से फिर वो ये कह के चले गया। तो ये थी पूरी कहानी दो भाइयों के प्रेम के बारे में, और किस तरह से बड़े भैया ने जो जीवन भर मेहनत की है, अपने बड़े भाइयों के प्रति प्रेम रखा है, उनके लिए कुर्बानियाँ दी है, तो वो माता पिता भी करते हैं, लेकिन बड़े भाई होने के नाते उन्होंने भी बहुत कुछ किया। तो ये बाबूली ने आखिरकार उनको ये ट्रिब्यूट दिया, ये कृतज्ञता जताई, ये आभार व्यक्त किया कि मुझे आपकी ज़मीन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो इस तरह से लेसन खत्म हुआ। किसने लिखा है ये? दास बेनर ने। और ये पूरा जो लेसन है दो पार्ट में हम समझ चुके हैं, 9वां और 10वां, एक ही कहानी है लेकिन दो पार्ट है। दोनों के राइटर भी दास बैनर ही है, कोई अलग नहीं है। तो ठीक है, ये हुआ अपना लेसन, उम्मीद है समझ में आया होगा। आप देखें, हम अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करना है, तो ये जिसके ऊपर राइट लगा हुआ है वो अपनों को अपनी कॉपी में लिखना है, जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं लिखना है, ये तो हम जानते हैं। तो आप देखते रहें कौन सा लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है। फर्स्ट वाला तो लिखना है, कुछ नहीं समझ में आया तो हिंदी अनुवाद भी है, इसको समझ लें यहाँ पे रोक के। फिर दूसरा है ये नहीं लिखना है, इसके बाद हम देखें तीसरा वाला, ये भी नहीं लिखना है, बहुत सारे वैसे नहीं लिखने हैं। फोर्थ वाला लिखना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी लिखना है। फिफ्थ वाला नहीं लिखना है, इसके बाद सिक्स्थ वाला हम लिखेंगे, ये वाला तो लिखना है। ये तो हुए ए वाले के क्वेश्चन आंसर। अब बी वालों में देखें, ये पहला वाला आपको लिखना होगा, इसके बाद दूसरा वाला भी लिखना है ना, हिंदी अनुवाद हम रोक के कहीं देख लें। फिर थर्ड वाला जो है ये नहीं लिखेंगे हम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर लास्ट में जो फोर्थ वाला बचता है ये हमें लिखना होगा, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है फोर्थ वाला। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखें इसमें दो एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि अनसीन पैसेज भी हैं, तो वो पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाले जो 9वां पार्ट था उसमें तो एक ही था, इसमें दो हैं। तो ये बुक में से भी आप देख सकते हैं, डेट नाइट से लेके माई एल्डर ब्रदर तक, लेकिन वैसे तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है कि द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स इज कॉल्ड, कि दिन का सुबह का वो टाइम, दिन का वो टाइम जब रोशनी पहली बार आती है तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं ना, तो मॉर्निंग वर्ड इसमें सही जवाब है। कहाँ लिखा है? ऊपर से सेकेंड लाइन में, ये हम देख सकते हैं कि ये रहा इसका सही जवाब, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा सही। इसके बाद हम देखें बी वाला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कौन से पार्ट से ये लिया गया एंसिन पैसेज एक्सट्रैक्ट, तो मतलब पार्ट का नाम बताना है। तो द ट्रिब्यूट हम लिख देंगे, बिल्कुल सही सही जैसा कि यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, ऐसा हम लिख देंगे तो सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है दें ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे प्रश्नों में। फिर द राइटर ऑफ द लेसन इज, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो ये भी हमने जाना है कि कौन है। दास बेनर है ना, एल्डर ब्रदर है, तो वो याद रखे कि ये वाला पार्ट के दास बेनर है।
फिर अब अगला डी वाला जो क्वेश्चन है इसको देखें कि वॉट हैड नेवर ओकर्ड टू द राइटर, कि क्या चीज लेखक के साथ पहले कभी नहीं हुई। तो इसमें हमने कहाँ से लिखना होगा क्वेश्चन, इसमें हम देख लेंगे कि ये जो निशान लगा हुआ है आपको पैसेज में दिख रहा है ये पूरा लिखना है, एट से लेके तो एल्डर ब्रदर तक, वो येट छोड़ देना, येट का कोई मतलब नहीं, एट से लेके एल्डर ब्रदर तक। और ये बीच में कुछ कटा हुआ नहीं है, वो तो पुरानी गाइड में से अपनों ने देखा है तो वो वैसा था, लेकिन सब कुछ लिखना ही है इसमें, ठीक है ना। तो इट से एल्डर ब्रदर तक हम लिख लेंगे। तो ये हुआ एक अनसीन पैसेज। और अब जो दूसरा है ये हम देखें इन द इवनिंग से, है ना, जो अपनों ने लेसन खत्म किया उसके लास्ट में ही है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन, ही शोड हिम द रिक्तिस्तान फील्ड्स, किस तरह की खेती उन्होंने मतलब मुझे दिखाई। तो ये रिक्तिस्तान की पूर्ति तो हम पैसेज में से देख के कर देंगे, कहाँ ऐसे शब्द दिख रहे हैं। तो ये है यहाँ पे पैडी फील्ड्स, ठीक है ना, पैडी वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर फील, कि लेखक को क्या महसूस हुआ। तो ऐसा भी कहाँ से अपनों को लिखना है, ये कोष्टक बना हुआ है लेकिन इसमें लेखक को बताना है तो आई वर्ड अपनों को हटा देना है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इतना इतना जो हम लिखेंगे इसमें ही लिख देना है आपको आई की जगह पे, और फिर फिंगर्स तक हम पूरा लिख देंगे यहाँ ही से लेके, ठीक है ना, आई की जगह हम ही लिख देंगे और उससे क्या है सेंटेंस थोड़ा सही हो जाएगा उत्तर के अंदर। फिर अगला सी वाला क्वेश्चन है कि गिव द अपोजिट ऑफ स्ट्रेंजर एंड इवनिंग, कि आपको स्ट्रेंजर और इवनिंग वर्ड का विलोम बताना है। तो आप देखें स्ट्रेंजर वर्ड अगर इसके अंदर आया है तो आपको इसका उत्तर जो है वो याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेंजर वर्ड कहाँ आया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कहाँ पे था ना, ये रहा नीचे स्ट्रेंजर वर्ड। तो इसका ये प्रश्न में आया है तो इसका मतलब है कि उत्तर याद रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, तो उसका सही ऑप्शन सही जवाब क्या होगा, फेमिलियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, फेमिलियर सही जवाब है। और इवनिंग का तो हम सब जानते क्या होगा, मॉर्निंग, ठीक है। फिर अगला डी वाला क्वेश्चन देखें कि मेक नाउन ऑफ इंट्रोड्यूस एंड फॉलो, दोनों वर्ड के आपको नाउन बताना है। अब नाउन मतलब क्या होता है, तो ये वैसे तो थोड़ा आगे की पढ़ाई के काम आएगा, लेकिन नाउन मतलब संज्ञा को बोलते हैं, और इसमें आपको कुछ पीछे परिवर्तन करना पड़ेंगे सफिक्स में। तो इंट्रोड्यूस का क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, वैसे तो ये वर्ड आपको पता है, अपनों ने वंडर्स ऑफ साइंस में पढ़ा होगा। और फॉलो का हो जाएगा फेलो। तो इस तरह से नाउन हो जाएंगे दोनों के। और कहीं भी कुछ पूरी वीडियो में समझ में ना आए तो आप बैक करके बिल्कुल प्ले करके देख सकते हैं, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी कोई सिलेबस में अधूरा नहीं रखे, सब कुछ कंप्लीट करते हुए चले, बराबर चले। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।